अभी मैंने एक अपना हाउस बनाया है गुड़गांव में 2.8 पॉइंट का पूरा घर मेरा लैंड लेके, लेके।, लेके और पूरा लेकेट सी आर का लाइक स्विगी डिलीवरी बॉय और वहां से टू पॉइंट एट सी आर का घर बहुत बड़ी बात है भाई सलूट है आप थैंक यू अब जैसे जो एड स्पेंड आप करते हो बताना चाहोगे हमारा टू हंड्रेड के डॉलर राइट राइट टू हंड्रेड के डॉलर हमारा स्पेंड हो जाता है एक करोड़ साठ लाख का नमस्ते दोस्तों तो स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में दोस्तों तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे मित्र योगेश पाउजा हैं जो गुड़गांव से ही बिलोंग करते हैं गुड़गांव में रहते हैं और ये ऑनलाइन काफी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं बट इनकी जो जर्नी इतनी आसान नहीं थी इन्होंने ऑनलाइन जर्नी शुरू करने से पहले ये स्विगी में डिलीवरी बॉय थे जो डेली के पांच से छह सौ अर्न करते थे उसके अलावा इन्होंने चाय भी बेचा है अलग अलग ऑफिस में जाके चाय भी बेचते थे और उससे पहले ये बैंक में नौकरी भी कर चुके हैं तो बहुत ही आ, इनकी जो जर्नी है ऐसे उथल फुथल है उतार चढ़ाव काफी है तो आज हम इनसे जानेंगे इनके स्ट्रगल के बारे में और साथ ही साथ ऑनलाइन दुनिया में कैसे मचा रहे हैं कैसे लाखों डॉलर्स एक महीने में कमाते एक हैं ये सब भी हम डिटेल से बात करेंगे स्वागत है योगेश भाई हमारे यूट्यूब you. चैनल पर थैंक यू थैंक यू योगेश भाई मैंने अपनी जुबानी इंट्रोडक्शन तो दे दिया मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस को आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हाई मेरा नाम योगेश है और मैं 28 साल का हूँ और अभी हम एड्स चलाते हैं हमारी एजेंसी है एंड बस कर रहे हैं थोड़ा सा तो भाई अभी एजेंसी वाली हम बातें करेंगे आ, मैंने मैं आपकी जर्नी जानता हूँ हमने कई बार बातें भी करी है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे गुड़गांव में ही मिले थे तो आपने बताया था तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा था यार ये ये तो मतलब रिलेट कर सकता था कि भाई मैं भी कहाँ से आता हूँ आप भी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो मैं चाहूंगा कि अपने जर्नी के बारे में बताया कि ये स्विगी डिलीवरी स्विगी में डिलीवरी बॉय की क्या कहानी है चाय बेचने की क्या कहानी है प्लस बैंक में भी आपने नौकरी करी है एज कलर राइट राइट तो इसके बारे में थोड़ा बताइए यार मैंने आई बी पी एस क्लियर कर रखा था फर्स्ट पढ़ने में मजा ठीक ठाक था वही मोटिवेशन था हमारे अगर किसी गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना तो उसको आती हैं स्टार्टिंग uh, में यही होता है कि मोटिवेशन के लिए घर चलाना है काम करना है फॉर अ बॉय आपको भी भी पता पता है 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 मेरे को भी पता है कि हम पे आ जाती है, कमाने की, है? तो मैंने आई बी पी एस के लिए एग्जाम दिया फर्स्ट अटेम्प नहीं हुआ सेकेंड अटैम्प्ट आई हो गया okay. तो मैं मतलब मेरी गवर्नमेंट uh, बैंक में जॉब लग गई किस वक्त की बात है बैंक, ये, बैंक दो हजार सोलह में था जब डीमोलिटेशन uh, के टाइम पे मैं बैंक के अंदर जॉब कर रहा था तो मैंने पंद्रह एंड में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी बैंक की

तो भाई मैं शहर से गांव में मतलब कैसा लग रहा था वहाँ पे जॉब फर्स्ट ता टाइम एक्सपीरियंस था मतलब पंचायत वाला फील आ रहा था क्या हाँ पंचायत वाला फील ही आ रहा था एंड जैसे मैं गुड़गांव का ही हूँ ठीक है गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को मैं कभी गांव में उतना नहीं रहा पर मज़ा आया मतलब हर चीज़ अलग अलग थी तो अच्छा था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे लोग भोजपुरी बोलते रहेंगे भाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब गाँव की भाषा बोलते थे मेरे तो सर के ऊपर एक्सपीरियंस तो हाँ हा, राइट, राइट। <laughs> ऐसे होते थे पर मतलब अच्छा था मतलब तो जब आप बैंक में थे आपकी एज क्या थी भाई बैंक में था बैंक में, में मेरी एज अभी मैं अट्ठाईस का हूँ राइट और अभी दो हजार चौबीस चल रहा है टू हजार ट्वेंटी वन में बैंक में था राइट ओके okay. राइट राइट राइट, राइट. सात साल पहले हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो टू इयर्स टू पॉइंट फाइव ईयर्स मैंने बैंक में की राइट अच्छा और सैलरी क्या भाई? 45, थी भाई सैलरी यार फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स आ जाती थी थोड़े से करते थे वेरिएबल्स होते थे अलाउंस मिलते हैं आपको तो अगर आप ऐसे टी एर टू टी थ्री में जाते हो तो अलाउंस थोड़े से कम मिलते हैं और वो बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है कि कितने अलाउंस मिलते हैं पर जब मैंने वो जॉब जोड़ छोड़ दिया आपने हाँ मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था और फुल फिलिंग तो जैसे मैं कह रहा हूँ था ही नहीं तो घर वालों को क्या बोला भाई अरे थोड़ा हार्ड था पर मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं मतलब मेरे घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है मतलब मैं तो ब्लेसड हूँ कि वो कहते हैं तेरे को जो करना है अगर मतलब मेरे मेरे कोई खुशी नहीं है तो मैंने ऐप बनाई और यही वाली चीज़ की इतने डाउनलोड्स होंगे नहीं होंगे तो हम पेम्पलेट्स लेके ये आई टी पार्क के बाहर खड़े रहते थे कि आ, किसी के दो मिनट है तो हम अपना इंट्रो देते थे कि ये ये एक ऐप है इसमें हम वो बेचते हैं चाय बेचते हैं एंड आपको अगर चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते प्ले स्टोर से तो चाय कौन बनाता था मेरे पास स्टाफ था मतलब हमने जब स्केल किया थोड़ा सा तो आठ नौ बंदे थे आठ नौ में से चार शेफ़ थे ठीक है और हमने क्लाउड किचन ले ली थी फोर्टी सेक्टर में ही एंड uh, पांच डिलीवरी वाले पा थे इंक्लूडिंग मी तो आठ और मेरे डिलीवरी करते थे हाँ हाँ वहाँ पर व्हीकल्स थे एक्टिव थे तो हम भी डिलीवरी करते थे तो बस यही सब है तो बस वो भी सुपर डुपर फ्लॉप था कितने महीने चला आपका वो ऑलमोस्ट एक साल चलाया हमने एक साल एक साल लॉस में और मतलब मेरे घर सपोर्ट करते थे हर महीने चालीस पचास हजार का लॉस होता था और घर से ले लेता था, था तो उसके साथ फिर तभी मैंने स्वीको रिग्रेट नहीं हो रहा था भाई मैंने बैंक की जॉब के छोड़े एक टाइम पे कभी कभी रात को दो बजे सोते हुए थॉट आ गया रैंडम थॉट आ गया तो बात अलग है पर क्या रिग्रेट क्या ही होना मेरे एक्शन है मैं ही करता हूँ तो क्या रिग्रेट होना पर रिग्रेट नहीं होना मैं आज जो मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ तो हर चीज़ ना एक दूसरे से लिंक कनेक्टेड है राइट अगर मैं वो जिसको बोलते हैं राइट 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 मतलब मतलब हर चीज़ मेरी हेल्प हो रही है जो मतलब जो मैंने स्टार्टअप था चाय मैन चाय मैन में मेरे को कोई मिला उन्होंने इंटर्नशिप करवाई इंटर्नशिप में कोई मिला फिर मैं कंपनी में आया वहाँ पे इंटर्नशिप करा था तो जहाँ मैं चाय देने जाता किस था इंटर्नशिप थी हो? आ, मार्केटिंग की इंटर्नशिप थी ऑनलाइन हाँ जी हाँ जी ऑनलाइन एड्स कैसे चलाते हैं और उसी की इंटर्नशिप की तीन महीने की इंटर्नशिप थी जिसमें से मैंने दो महीने की थी दो महीने मेरे को समझ आ गया था कि क्या बोलते हैं मतलब मैं खुद कर सकता हूँ इसमें कुछ ऐस नहीं है और आप YouTube से देख के कर सकते हैं बेसिकली मतलब ये सब चीज़ें ना आप खुद भी अकेले कर सकते हो इंटरनेट पे फ्री मटीरियल इतना है कि मतलब कोई भी घर बैठ के कर सकता है तो इंटर्न की फिर मैंने किसी कंपनी में जॉब की ठीक है वहाँ पर भी तीन महीने में ऑनलाइन से रिलेटेड था वो हाँ सेम था तो वहाँ भी मैंने तीन महीने जॉब की तीन महीने के बाद फिर मैंने अपना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर लिया था ई कॉमर्स में मैं मतलब इंटर्नशिप महीने बाद इन, इन दो महीने की इंटर्न उसके बाद तीन महीने की जॉब अच्छा टोटल पाँच महीने के बाद आपने राइट राइट तो मेरे को एक दो प्लेटफॉर्म्स पता लगे कि यहाँ पे आप अपनी साइट बना सकते हो यहाँ पे आप एड्स का तो मेरे को पहले ही पता था जब मैं चाय मैन करता था तो मैं सी पे कैम्पे चलाता था अपनी ऐप के लिए कि जो एरिया में मैं डिलीवर करता हूँ चाहे तो मैं ऐप भी पे फेसबुक पे खुद आ, क्लिक टू इंस्टॉल की एड्स लगा एड लगाने भी सीख गए थे आप हाँ मैंने ऐप भी खुद बनाई और फिर मैं उसी की मार्केटिंग के लिए एड्स भी लगाता था पर मेरे को ये नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री इतनी वास्ट है इसमें किसी का करियर बन सकता है पर वही मैं कह रहा हूँ हर चीज़ एक दूसरे लिंक है तो फिर मैंने इंटर्नशिप की तीन महीने तो की देखिए स्विगी कहाँ लिंक हो रहा है स्विगी हो रहा है जब मैं आ, मेरा स्टार्टअप था चाय मैन तो चाय मैन में फ़ंड्स की कमी होती थी राइट और मेरे को सैलरीज देनी होती थी और सैलरीज देनी होती थी राम को तो, राइट तो मैं रात को बारह से सुबह चार बजे तक स्विगी करता था सोना रोड पर और बात कर रहे हैं और आज भी मेरी आईडी एक्टिव है मतलब हाजी मेरे पास मैसेज आते रहते स्विगी के की मेरे है अभी भी आगे पे आज मेरी प्रोफाइल है पे और मेरे पास अभी भी न्यू ईयर के मैसेज आते रहते हैं कि न्यू ईयर पे अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको चालीस रुपए मतलब मैं सपोज कर लूँ ज़्यादा मिलेगा राइट चालीस रुपए पर ऑर्डर मिलेगा ऑफ अठारह रुपए बीस रूपए तो क्या कमाते थे भाई स्विगी से आप डेली के पारह से चार्ज वो करते थे आप

इतना मतलब कैसे कि दिन में भी आप काम कर रहे हो फिर रात को भी सोना होना कैसे भाई कितना घंटे सोते थे आप मतलब मेरे को याद है चार बजे लॉगआउट करके ऐप लॉग आउट करके मतलब चार सवा चार बजे साढ़े चार बजे आप सो जाओ नहीं। उसके भी इतनी अच्छी नौकरी पैतालीस सो, हजार दो हजार सोलह में बहुत होते हैं भाई मैं दो हजार सोलह में सौ डॉलर कमाता था सौ डॉलर महीने के और आप उस समय पैंतालीस हजार की जॉब छोड़ के आप चाहे बेचने लग रहे हो फिर स्विगी पे आप एज ए डिलीवरी बॉय काम कर रहे हो ताकि आप दूसरों को सैलरीज दे पाओ अपने लिए भी नहीं कर रहे हो तो ये सोचा था आपने की भाई ये इतनी बुरी हालत होगी मेरी या फिर आप जुनून में करते जा रहे थे जुनून में ही करते जा रहे थे मेरे को पता था कि कर लूँगा क्योंकि मतलब अगर आपके पास लिबर्टी होती है ना तो आप कर लेते हो अगर आपके पास लिबर्टी होती है और अगर आप अपने उससे दिमाग से चलते हो कभी कभी हाँ होता है रिग्रेट होता है पर मतलब अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप सब चीज़ कर लोगे पर स्विगी में तो यही था मेहनत करते थे फिर सुबह चाय महीन में जाते थे तो फिर ऑनलाइन करियर में कब वो किक मिला कब लगा यार अब मज़ा आ रहा है चाय मैन में, में क्या था चाय मैन में, में ना बस मैं ना एक टाइम आ गया था साल हो गया था तो चाय मैन में, में सोचा था कि बस अब बंद कर दो मतलब इतने नहीं बन रहे थे पैसे मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी जा रहा था और मतलब घर वालों मतलब घर में भी थोड़ी सी दिक्कत थी तो मैं यही सोचता था कि यार ये स्टार्टअप किस काम का मतलब आप फ्लैम वाइट हो जाओगे पर आपके पास रियल मनी तो है नहीं आप अंदर से खोख ले दिखाने के लिए आप स्टार्टअप कर रहे हो राइट और ना स्टार्टअप की नींव ना कोई ओथेंटिक बिजनेस प्लान ठीक है हम उसको बस लोग ऑर्डर करते थे लोग ऑर्डर करते थे एंड uh, uh, हमारी सिर्फ एंड्रॉयड थी राइट right? और एप्पल की मेरे को आती नहीं थी कोडिंग वोल्ड्रिंग तो वो मेरे को ये भी याद है जब मैंने बंद किया था उससे पंद्रह दिन पहले मैंने एप्पल के लिए मैंने किसी कंपनी में कॉन्टैक्ट करके आई ओ एस के लैप बनवाने के लिए पैसे दिए थे बीस तीस परसेंट शायद एडवांस दिया होगा और वो भी फिर फिर मैंने बंद ही कर दिया पंद्रह दिन बाद तो मैंने कहा बस बहुत हो गया फिर मैं रियल था डिप्रेशन में कि भाई अब क्या करूँगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मैंने तो जॉब छोड़ दी वो टाइम आया था आप पूछ रहे थे ना जो चौदह पंद्रह दिन आए थे कि भाई मैंने कितना बड़ा रिस्क ले लिया पर वही कि हर चीज़ कनेक्टेड है मेरी कोई कस्टमर थी चाहे मैं चाय देने जाता था तो वो थोड़ा मेरे को मानते थे कि भाई तेरे में पोटेंशियल है उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि तू तू एप्स मतलब तू एप्स भी बना लेता है तू एड्स भी लगा लेता है तो तू एड्स की फील्ड में ही आता है तो मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप कर ले अब डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स होता है वो तीन महीने का होता है और वो मतलब फोर्टिंग सेक्टर से भी हो जाता है बहुत जगह से होता है तो उसके तीस पैंतीस हज़ार लगते हैं अब तीस पैंतीस हज़ार रुपये करने के भी राइट कोर्स करने के तो मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो मैं तीन महीने की कोर्स करने के बाद बीस पच्चीस की जॉब कर लेता या तो मैं तीन महीने इंटर्नशिप करने के बाद फ्री में उसके बाद फिर मैं फिर जॉब कर लेता बीस पच्चीस की ठीक है और स्टार्टिंग से सर्टिफिकेट्स तो मेरे पास थे ही नहीं कुछ ऐप के भी नहीं और मार्केटिंग के भी नहीं ठीक है काम आता था काम आता था तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ हम थे मेरे को आज तक याद है छे में से आई द ओनली वन जिसको छ हजार मिला पाँच को तो कुछ भी नहीं मिला कि भाई फ्री में तो तब भी ओके थे भाई कि चलो छ हजार मिल रहा है कर लेता हूँ हाँ क्योंकि मेरे को सीखना था लेकिन चालीस पैंतालीस हजार के जॉब के बारे में नहीं याद आता था मतलब नहीं आता था मैं प्रेजेंट में जीता था हाँ एक एंड तो आते थे भाई तुम्हारे पास खाने के पैसे वो छ हजार मैटर करते हैं पर मेरे को पता था मैं सीख लूँगा तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए उस कंपनी में गया था एज ए इंटर्न तीन महीने तो तीन महीने में से भी ना मेरे को जब डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ा मैंने एक एस भी होता है और बैकलिंग होते हैं तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं था मेरे को पर, आ, मीडिया में आ, आ, जैसे इंस्टाग्राम हो गया एस एम एम हो गया right, right, हाँ राइट right. मेरे को पेड मीडिया में इंटरेस्ट था पेड मीडिया में समझना तो पेड मीडिया के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं थी राइट तो मैंने दो महीने वहाँ किया फिर मैंने वहां से छोड़ा तो फिर मैंने किसी कोई कंपनी ज्वाइन की और वहाँ पे मैं एज अ मीडिया एग्जीक्यूटिव लगा अठारह हजार रुपये में फर्स्ट मंथ अठारह हजार सैलरी थी मेरी एंड उसके बाद मैंने भी वहाँ तीन महीने काम किया क्या करना होता था एड्स चलानेस्टाग्राम से मानना होता था एड्स चलाने होते बस यही सब होता था Okay. तो जब मैंने वो देखा कि एड्स ये प्लेटफॉर्म होता है इनकी जो मतलब वो ई कॉमर्स ब्रांड है राइट तो ई कॉमर्स के लिए वो अपना सीआरएम होस्ट करते हैं मेरे को सब पता लग गया था तो तीन महीने चार महीने बाद मैंने वहां से जॉब छोड़ दी थी तो मैंने अपना ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया था छोटा okay. मोटा ई कॉमर्स करता था फिर मैं छ महीने सात महीने बाद मैंने एक अपना अपैरल का ब्रांड खोल दिया था पहला क्या स्टार्ट किया था आपने ई कॉमर्स में क्या बेचते थे आप मतलब मैं अमेजोन पे जाता था ठीक है अमेजोन पे जो प्रोडक्ट चल रहा होता था जो ऊपर होता था

तो शॉपिफाई सबको पता ही है कितना आसान तो है शोपीफाई थोड़ा महंगा होता है शॉपिफाई यस थोड़ा महंगा होता है पर फ्री ट्रायल मिलता है आपको 21 दिन का 20 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है आप फ्री ट्रायल लो और आपको कुछ खर्च भी नहीं करना इंटरनेट मार्केटिंग का फायदा यही है मतलब इंटरनेट मार्केटिंग की ब्यूटी यही है कि आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो और आपके इतने वो भी जरूरत नहीं है मतलब आपके इतने रुपए भी नहीं लगेंगे इनिशियली मतलब आपको लग रहा है कि ट्राई करो अगर आपको लग रहा है की फायदा है तो फिर आप उसको परचेस करो राइट हर चीज के फ्री ट्रायल मिलते हैं मतलब मैं तो स्टार्टिंग में क्या करता था मैं आपको बताता हूँ जैसे ई कॉमर्स है मेरे पास प्रोडक्ट लाने के पैसे नहीं है मैंने स्पाई टूल पे देखा उसकी ऐड चल रही है किसी प्रोडक्ट की ऐड चल रही है पर मेरे पास पैसे नहीं है लाने के लिए तो स्पाई टूल के बारे में बताइए लोगों को क्या होता है तो स्पाई टूल होता है कि आ, स्पाई टूल पे आप किसी और की एड्स को स्पाई कर सकते हैं बेसिकली कोई और आपके राइट राइट सबके अपने स्पाई टूल आते हैं यूट्यूब के लिए अलग आता है गूगल के लिए अलग आता है फेसबुक के लिए अलग आता है स्पाई टूल तो आप जो कीवर्ड सर्च करेंगे तो वो की से जैसे आपको कोई प्रोडक्ट की एड चलानी है राइट तो प्रोडक्ट का वो नाम लिख दो उसकी जो एड्स चल रही है उसकी ड्यूरेशन आ जाएगी उसका प्लेटफॉर्म आ जाएगा कि बीस दिन से ऐड चल रही है ये पचास दिन से ऐड चल रही है राइट तो जो पचास दिन से ऐड चल रही है तो वो मतलब, तो मतलब तो तो प्रोडक्ट है राइट राइट वो वो हमें मिल गया है जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था विनर हमें मिल गया उसका ठीक है तो हम यही करते थे पर मैं बता रहा मेरे पास पैसे नहीं होते थे स्टार्टिंग में तो मैं क्या करता था कि मैंने किसी प्रोडक्ट की अपने शॉपिफाई पे होस्ट कर दिया ठीक है लिस्ट कर दिया और मैंने ना सी डी नहीं रखा स्टार्टिंग में मैंने प्रीपेड पे चला दिया राइट ऑर्डर साया तब तो मैंने खरीद के राइट राइट राइट, राइट तीन ऑर्डर आए पंद्रह सौ का मेरा प्रोडक्ट है चौदह सौ निन्यानवे का पैंतालीस सौ आए मैं दिल्ली गया या मैंने जहाँ से ऑर्डर वो अपने प्रोडक्ट प्रोक्योर करना है ठीक है वहाँ गया और ले आया और कस्टमर को ये मेल कर दी कि भाई थोड़ा डी हो रहा है चार दिन लगेंगे पाँच दिन लगेंगे तो मतलब कस्टमर तो मान जाते थे तो ये स्टार्टिंग में कर देते थे हैक्स की भाई जब आपके पास कैपिटल नहीं होती नहीं। और ये सब बात किस ड्यूरेशन के दो हज़ार उन्नीस राइट दो हज़ार जैसे सोलह में मैं बैंक में था दो हजार अठारह में मैंने बैंक छोड़ के चाइमिन स्टार्ट किया दो हजार उन्नीस में आ, मार्च में मैं इंटर्नशिप कर रहा था और दो हजार में ही आ, जून जुलाई में मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और 2019 में ही September में, छह सेप्टेम्बर में को आ, मैंने जॉब छोड़ दी थी और जी जीएसटी अप्लाई कर लिया था अरे वाह, तो फिर उस टाइम से आज तक चल रहा है अब हम एफिलेट में घुसे में वो एपेरल ब्रांड था हाँ। हम शर्ट्स बेचते थे, थे उसमें बेसिकली तो शर्ट्स कहाँ से मंगाते थे आप शर्ट्स हम खुद बनाते थे गुड़गांव में हमने किसी को बोल रखा था हमारी सबको थी और हम कुछ शर्ट्स बनाते थे और मार्केटिंग करते थे एंगल्स डालते थे मार्केट तो इसका थोड़ा कॉस्ट वगैरह बताएंगे कि आपको क्या कॉस्ट पड़ता था कितने में आप सेल करते right. थे राइट हम सेम पंद्रह सौ की शर्ट बेचते थे ठीक hmm. है देखो मैं आपकी एक बार बात का जानना चाहूँगा मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया में ना मतलब इंडिया इज़ द ओनली कंट्री मतलब अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो इंडिया से अच्छी कंट्री नहीं है बिकॉज इंडिया इतना वास्ट है इतना बड़ा है कि इंडिया में हर चीज़ चल जाती है मैं अपनी औकात के हिसाब से सोचता था यार पंद्रह सौ की शर्ट तो कोई नहीं लेगा मतलब खरीद रहे हैं तो हम सोगी सोगी पर मेरे को पता है इंडिया इतना बड़ा है इतना बड़ा है तो मैं तीन सौ के बीवन से पंद्रह सौ की बीडन से पाँच हजार भी पंद्रह हजार की भी है सौ वाली भी है और मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा इंटरेस्टिंग मतलब आप मेरे को ये बताओ मैं पंद्रह सौ की शर्ट बेचूंगा तो मेरे अगर किसी बंदे को नीचे होगा तो वो रिटर्न ज़्यादा आएंगे अगर मैं 400 की बेचूंगा तो ज्यादा रिटर्न आएंगे भाई कुछ भी हो सकता है मैं 400 की बेचूंगा तो ज्यादा रिटर्न आएंगे मैं 1500 की बेचूंगा तो ज्यादा रिटर्न नहीं आएंगे कैसे ऐसे कैसे बिकॉज देखो आ, हम ऐड्स लाते थे फेसबुक पे राइट तो जो बंदा लेगा जो ऑर्डर करेगा उसको पता है पंद्रह की राइट अगर उसको अगर उसको नहीं लेनी होगी ना तो वो वहीं से नहीं लेगा और जो स्लैब होगा ना पंद्रह सौ वाला तो वो ऑडियंस अच्छी ऑडियंस होगी मतलब मैं तो नहीं कह तो रहा प्रीमियम होगा प्रीमियम ऑडियंस होगी हो तो उनको कभी साइज नहीं आ रहा होगा तो ही वो आ, रिटर्न करेंगे ठीक है चार सौ पे बेचोगे तो कई बंदे होते हैं जो टाइम पास करते हैं कई बंदे होते हैं जो ऑर्डर कर लेते हैं फिर लेते नहीं है ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब सस्ते प्रोडक्ट्स का रिटर्न ज्यादा है राइट

एंड uh, उसमें हम सीईओ uh, का एंगल लगा देते थे, थे कि जो सीईओ होते हैं वो प्लेन ब्लैक पहनते हैं लाइक like, अगर आपको सुबह उठ के आपके पास ये स्ट्रेस ना हो कि आज आपको क्या क्या, -क्या वो लेने से राइट। 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 नहीं भाई आज कौन सा कपड़ा पहनो राइट है एलिगेंट बट एलिगेंट तो थोड़े से हमने एंगल जैसे घुसार रखे थे और हमने उस शर्ट की क्वालिटी मतलब अच्छी थी बहुत अच्छी थी तो बस मतलब हम मार्केटिंग करते तो थोड़ा सा इसमें हम डीप घुसते हैं जो जो शर्ट आपने, जो शर्ट आप बेचते थे तो उसके लिए मॉडल्स भी आपने हायर कर रखे थे मतलब मेरे को ये याद है हमने पचास लाख की सेल कर दी थी फर्स्ट मंथ एपेर का जब हमने लॉन्च किया था दो में जब कोविड आया था मैंने 2019 में अपने कंपनी स्टार्ट की थी राइट सितंबर में हाँ छः सात महीने बाद ही कोविड आया था तो कोविड में हमने अपना अप्रैल ब्रांड लॉन्च किया था तो कोविड में तो ये सब बंद हो गया था ना ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह मतलब जब एक वेव चली गई थी फर्स्ट वेव मतलब तो थोड़ा सा सब स्मूथ हो गया था ठीक तो है हाँ। राइट तो सब चल रहा था पर मैंने ए बी टेस्टिंग कर रखी है मैंने ये देख रखा है मैंने वही शर्ट पच्चीस की भी बेची है मैंने वही शर्ट पाँच की भी बेची है पर मैंने ये देख लिया पाँच वाली अगर आप पाँच की बेचेंगे तो सौ बंदे ले लेंगे पंद्रह की बेचेंगे तो सी बंदे ले लेंगे 2500 की बेचेंगे तो 20 30 बंदे ले लेंगे पर इंडिया में वो मार्केट एग्जिस्ट करती है आप जितना भी कर लो आपके प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा बिकॉज़ ये इंडिया है और मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए तो मतलब या ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए इंडिया से अच्छी कोई जगह नहीं है इतना वास्ट है इंडिया मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आप शर्ट 1500 की बेचते थे राइट उस आपको क्या कॉस्ट पड़ता था यार उसकी कॉस्ट मेरे को 300 के अप्रोक्स पड़ता था 300 का शर्ट था 300 हां लाइक डिस्पर्स कितने होते थे एक शर्ट सिलने में

उसको स्मॉल स्मॉल करना था या उसको एल करना था लार्ज साइज ऑर्डर करना था पर इंटेंशनली कोई मतलब हमारी ऑडियंस अच्छी थी मतलब तो अभी अप्रैल का भी बंद कर दिया आपने हाँ में आ रही लास्ट में थोड़ा मतलब उतना नहीं चल पाया हमारी गलती थी कि हमने ना उस प्रोडक्ट से मतलब हमें अटैचमेंट होगी ई कॉमर्स में यही होता है अभी मैं आपको आगे ही बताऊँगा कि अब जैसे हमारी एफरेट मतलब हमारी वो है एजेंसी है राइट तो एजेंसी में क्या होता है कि हम ऑफर्स लगाते हैं दूसरे दूसरे पर जो मैं ई e कॉमर्स करता था, था ना तो हमें अपने प्रोडक्ट से प्यार हो जाता था ठीक है जो मैंने गलतियाँ की हैं और कोई बताने वाला भी नहीं होता था तो हमें क्या लगता है और वो प्रोडक्ट बस उसका ख़त्म हो गया ट्रेंड पर हमें लगता है कि भाई हम जो उसकी ऐड बना रहे हैं वो ऐड सही नहीं चलती ऐड नहीं बनाते थे तो हम ना मतलब मैंने इस साल जैसे आठ एपेल के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए राइट शर्ट्स अलग अलग डिज़ाइन में लॉन्च कर दी पर वो आठों मेरी चल गई दो महीने हो गए तीन महीने हो गए फिर मैंने और लॉन्चेस नहीं किए तो हमारी कहीं ना कहीं गलती थी एक्सपेरिमेंट्स आपने कर एक्सपेरिमेंट्स हमने नहीं किया जो चल रहा है वो हमने नहीं, नहीं किया जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे अभी जून आने वाले राइट तो जून में हाफ स्लीवस शर्ट्स चलती है राइट पर पैदल में देखो तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था तो आपको जब जून चल रहा है वो तो जून के लिए अगर आपको हाफ स्लीव की शर्ट बनानी है ना तो आपको आ, स्टार्टिंग में ही उसकी वो करनी पड़ेगी मतलब अगर आपका विंटर्स चालू हो गया तो विंटर्स में ही आपको जून के बारे में सोचना पड़ेगा राइट छः महीने पहले ही आपको ऑर्डर्स देने पड़ेंगे उसके लिए फोटोशूट करवाने पड़ेंगे तो अपैरल में यह चीज होती है यार मुझे लगता है कोई भी इंडस्ट्री अगर सीजनल है तो हमें पहले ही थोड़ा सोचना पड़ेगा कोई फेस्टिव सीजन आने वाला है जैसे मान लो दिवाली आने वाली है तो, तो पहले ही अपने को काम करना पड़ेगा सही कह रहे हो तो इसके बाद आपने क्या शुरू किया एफिलेट शुरू किया राइट एफिलेट शुरू किया तो इसमें क्या करना होता है बेसिकली यार एफिलेट होता है कि आपको जैसे अभी हम ई e कॉमर्स करते हैं राइट तो ई e कॉमर्स में क्या है हमारा प्रोडक्ट है आप खुद का प्रोक्योरमेंट राइट प्रोक्योरमेंट हमारी है एंड शिपिंग हमारी है लॉजिस्टिक्स सब कुछ हमारा है राइट पर एफिलेट में होता है कि आपको एक अमाउंट कमीशन मिलेगी राइट अगर आप किसी और का प्रोडक्ट करोगे तो किसी और के प्रोडक्ट्स के लिए एड्स लगाओगे आप रिकमेंड करना है रिकमेंड करना है राइट अगर किसी ने ले लिया तो आपको उसके लिए पाँच uh, परसेंट छः परसेंट जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी कमीशन मिलेगी तो हमारे बस हम यही करते हैं अभी तो एफिलेट्स ही करते हैं तो क्या क्या अगर बताना चाहोगे क्या क्या ऑफर्स आप चलाते हो यार हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स यू के हैं ठीक hmm. है यू के स्मॉल बिजनेस हो गए हमारे सारे जो ऑफर्स हैं वो यू के हैं राइट आ, जैसे कौन सी इंडस्ट्री है सॉरी कौन सी इंडस्ट्री का यार मैं आपको बताता हूँ हम तो अब तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ठीक है पर इसमें आपको एफ़लेट चलाना है एक एफलेट की ना ब्यूटी क्या है कि आप हर इंडस्ट्री में चला सकते हो जैसे आप ये भी चला सकते हो राइट अगर आपको जैसे मैं अपैरल कर रहा था पर मेरी वो अपैरल की इंडस्ट्री थी राइट पर अगर आपको एफलेट्स चलाना है तो आप सब चीज़ में एफलेट एफलेट्स चला सकते हो अगर आपको कोई होटल की चाहिए अगर आपको कोई होस्टिंग के लिए कुछ बेचना है तो उसके लिए एफिलेट होता है आपको कोई ऑफर चलाना है ई कॉमर्स का ही ऑफर चलाना है तो आप उसके लिए भी आप कर सकते हो तो ये ऑफर्स आपको कहाँ से मिलते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक क्लिक बैंक हो गया ठीक है क्लिक बैंक पे जाओ आप अपना अकाउंट बनाओ उसमें आपको ऑफर्स मिल जाते हैं राइट हेल्थ रिलेटेड ऑफर्स मिल जाते हैं और आपको मतलब बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं तो इंपेक्ट है, इंपेक्ट हो गया, राइट? हम, हाँ हम इम्पैक्ट काम करते हैं नहीं हमने वो यूज़ नहीं किया इम्पैक्ट हमारा अच्छा चलता है एंड क्लिक बैंक तो अच्छा ही चलता है क्लिक बैंक तो एवर तो जो ये ऑफर्स होते हैं क्या मीडियम होता है इनको प्रमोट करना है या कैसे करते हैं जैसे ऑफर्स आते हैं ये एक अपना स्पेसिफिक लिंक देते हैं राइट हम हमारे ब्लॉग्स होते हैं हम अपने ब्लॉग्स में इनका लिंक डालते हैं ठीक है और वो ब्लॉग्स को हम ब्लॉग्स के लिए ऐड लगाते हैं राइट अच्छा कंटेंट लिखवाते हो यस हम कंटेंट भी लगवाते हैं हम सबको रिकमेंड करते हैं कि जैसे आ, कोई भी ऑफर्स होते हैं हम लोग क्या करते हैं बेसिंग अगर हम लोग करते हैं ब्लॉग्स वगैरह जैसे प्रोडक्ट रिव्यूज हमने लिख दिया या प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी राइट राइट और उसमें अपना लिंक दे दिया तो ऐसे ही कुछ होता है बिल्कुल सेम होता है पर आप आर्टिकल्स को एड लगा के राइट हम राइट हम उसकी एड्स लगाते हैं और वो कोई हमें ऑफर मिल जाता है तो उसको हम स्केल कर देते हैं अगर वो अच्छा चलता है मतलब उत... जहाँ पर कन्वर्जन अच्छा आ रहा है कन्वर्जन अच्छा है आप कर लगा रहे आपको ऑडियंस टारगेटिंग आनी चाहिए मतलब अगर आप एफ़ पे लगा रहे हैं गूगल पे लगा रहे हैं ऑडियंस टारगेटिंग आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए ये ऑफर की अगर आप अपने आप को उस ऑफर की जगह रख के देखो आप आप अपने आप को एंड यूज़र बना के देखो आप कोई हेल्थ का ऑफर लगा रहे हो राइट ठीक है क्लिक बैंक से आपने कोई ऑफर निकाला वो हेल्थ रिलेटेड है तो एक उसकी ऑडियंस होती है आप ओपन नहीं चला सकते ठीक है आपको ए टारगेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ा सा भाई जिनका इंटरेस्ट रहेगा उस प्रोडक्ट में या जरूरत रहेगी उन्हीं को राइट बेचेंगे ना। राइट हर किसी को तो बेच नहीं सकते तो अब जरा सा अगर आप इसको अगर ब्रीफली बताना हो कि आपका ये प्रोसेस क्या होता है थोड़ा बताएंगे आ, सेल करने का जो प्रोसेस होता है सेल करने का प्रोसेस यही होता है हमारी टीम बैठी है ओके वो इतने लोगों की टीम है आपके हमारी टीम में अभी इलेवन है ग्यारह ठीक है तो हमारी टीम बैठी है ओके तो ये जो जितने भी आ, ओ, ये जितने भी ऑफर्स होते हैं हम सबको पहले इन पर अप्लाई करते हैं ठीक है यू में जैसे हम एक इंश्योरेंस के लिए भी एड चला रहे हैं तो, तो जैसे आपने बताया ये इम्पैक्ट है तो वहाँ पर इंडिविजुअली हमें हर एक ऑफ़र के लिए साइन अप करना पड़ेगा राइट right. आपको हर ऑफर के लिए उस पर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आ, तो वो ऑफ़र कोई भी हो सकता है सर्विस भी हो सकती है और वो ऑफर कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है आपने उन पर अकाउंट बनाया ठीक है तो अकाउंट बनाने के बाद अब आप देखो कि उसकी उसकी आपको ऐड चलानी है ठीक है तो अगर आपको गूगल ऐड चलानी है वीडियो ऐड चलानी है और आपको एप भी पे फेसबुक पर एड चलानी है या आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर ऐड चलानी है आउटब्रिट पर ऐड चलानी है तो आप किसी पर भी उसकी ऐड चला सकते हैं मार्केटिंग की ब्यूटी यही है कि मतलब आपको दो साल हो गए तीन साल हो गए फिर भी ना एक एक्साइटमेंट होती है ना तो एक वो रहती है कि आप सुबह उठ रहे हो आज आपको नया ऑफ़र आप ट्राई करना है तो ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत करने पड़ेंगे भाई कि क्या चल रहा है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा राइट

चलता ही है क्यूफोर में सब चीज़ें लोग लोगों का मूड होता है शॉपिंग का ही तो क्यू फोर में हमारा अच्छा गया था तो अब जैसे इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो रेवेन्यू कितना बनता होगा रेवेन्यू हमारा बस आर ओ आ जाती है आर हमारी मतलब बहुत सारी अलग अलग कैंपेंस होती है मतलब एक अलग वर्टिकल है एक हेल्थ रिलेटेड वर्टिकल है एक एक होटल रिलेटेड वर्टिकल है तो किसी पे ट्वेंटी परसेंट आती है किसी पे फोर्टी परसेंट भी आ जाती है प्रॉफिट हाँ ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो प्रॉफिट हो जाता है मैंने मान के चलो अगर हमने एक लाख का ऐड चलाया तो हमारा बीस हज़ार बीस हज़ार बन जाता है राइट बीस पच्चीस हज़ार तीस हज़ार डोलर प्रॉफिट हमारे बन जाता तो कैलकुलेट कर लो एड स्पेंड हमने बता दिया बाकी एड स्पेंड आप दिखाओगे कोई अकाउंट का दिखा दो हाँ राइट मैं आपको दिखा देता हूँ इन साइट के लिए कोई नहीं यस ये तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये योगेश भाई अपने दिखाएंगे जो गूगल एड्स में इन्होंने स्पेंड करे हैं तो ये एक अकाउंट का है ऐसे इनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो इसमें हम देखेंगे मेजरली जो इनके कुछ अकाउंट्स के हम स्पेंड्स देखेंगे एक महीने का जो दिसंबर का है दिसंबर 2023 का है तो जी भाई आगे प्रोसेस ये मेरा अकाउंट है एक बार रिफ्रेश कर देंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया ठीक है एक दिसंबर से इकतीस दो हज़ार तेईस तक राइट ठीक है ये मेरा स्पेंड ये एक अकाउंट पे स्पेंड है इकताईस लाख ओके इक्कीस लाख चौंतीस हज़ार ठीक है, है। ए, मेरी आई है योगेश ये भी मेरी आई है इस पर भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ये भी एक से लेके इकत्तीस दिसंबर राइट इसमें ऑलमोस्ट आठ लाख पचास हज़ार रुपये स्पेंड है ठीक है ठीक है ट्वेंटी नाइन हो गए राइट right, ये फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ मेरे अट्ठारह उन्नीस अकाउंट्स हैं मतलब हमने अच्छा। सबको अलग अलग अकाउंट्स पर बांट रखा है कोई अकाउंट बंद होता है तो दूसरे अकाउंट्स पर इम्पैक्ट ना पड़े राइट तो ये भी मैंने रिफ्रेश कर दिया और इस पर भी कुछ अच्छा खासा ही हुआ होगा इस पर अठारह लाख ऑलमोस्ट सत्रह सा, लाख अड़तीस हज़ार रुपये इस पर भी स्पेंड है तो फोर्टी एट के अराउंड पे तो तीन अकाउंट हैं और ऐसे मोटा मोटी पचास लाख इन अकाउंट में होगा ऐसे आपके अठारह उन्नीस अकाउंट रव। रव। तो, तो गाइस इस ट्रांसपेरेंसी के लिए लाइक हो जाए आपने तो मान लो इतना इंटर्नशिप वगैरह किया और अलग अलग जगह पर काम किया इवन खुद भी आपने एज अ स्टार्टअप चीजें शुरू करिए ऐप बना के भी आपने किया जो नए लोग हैं वो कैसे सीखेंगे आपके इंडस्ट्री की जो चीजें हैं वो कैसे सीखेंगे यार हमारी इंडस्ट्री की चीजें हर हर जगह ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है क्या क्या सीखना पड़ेगा क्या क्या स्किल्स जरूरी है एक तो एड्स के बारे में वो सीख लें राइट गूगल एड्स राइट एड्स फेसबुक एड्स गूगल एड्स और मतलब आप जहाँ फोन यूज करते हैं और आपको फोन में कोई भी प्लेटफॉर्म दिख रहा है अगर वहाँ एड चल सकती है तो वो प्लेटफॉर्म है आपके पास एड दिखाने का बिजनेस लेके आने का राइट तो जैसे एफ़ हो गया गूगल हो गया बिंग हो गया इंडिया में बिंग नहीं चलता बहुत कम चलता है पर यूएस में बिंग की अच्छी मार्केट है तो वो बस एड्स सीखे टिकटॉक एड्स भी तो राइट राइट वो राइट बिल्कुल है यू में बहुत अच्छा चलता है टिकटॉक एड्स यू ए में बहुत अच्छा चलता है टिकटॉक एड्स एट्स एक चीज़ बताइए जैसे जो आप जो ऑफर चलाते हो तो आपकी टारगेट कंट्री क्या होती है यार हमारी टारगेट कंट्री इंडिया नहीं रहती हमारी एट्टी हमारी टारगेट कंट्री यू रहती है बाहर ही करते हैं राइट हम यस हम इंडिया इंडिया में नहीं करते मार्केटिंग बहुत कम करते हैं इंडिया से बाहर ही हमारी मार्केटिंग होती है यूएस में तो ठीक है अभी जैसे लोगों ने चलो एड्स चलाना सीख लिया अभी नेक्स्ट क्या करना है नेक्स्ट इनको ऐसे ऑफर्स के लिए जाना है जो वो पहले ट्राई कर सकते हैं अलग अलग अफ्लेट प्रोग्राम राइट right, राइट right, यूएस में तो बहुत सारे हैं मैं एक ऑफर मैं एक मार्केट uh, प्लेस का नाम लेना चाहूंगा उसका नाम है क्लिक बैंक क्लिक बैंक क्लिक बैंक पे जाए अपना अकाउंट बनाए क्लिक बैंक पर बहुत सारे ऑफर्स दिख जाएंगे ठीक है उन ऑफर्स के लिए आपको ऐड लगानी है चाहे वो आप फेसबुक पे लगाएं गूगल पे लगाएं तो जैसे आपने बताया उन ऑफर्स को हम पहले ब्लॉग पोस्ट के रूप में पहले लिखें फिर उन पे ऐड चलाएँड डायरेक्ट टू प्रोडक्ट का भी हम ऐड लगा सकते हैं यार कई कई ऑफर्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते कई कई ऑफर्स होते हैं जिनके टी एन सी अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा रहता है कि आप फेसबुक पर डायरेक्ट ऐड नहीं लगा ब्रांड ब्रिडिंग नहीं कर सकते ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर सकते आप ऐड नहीं लगा सकते डायरेक्ट ऐड नहीं लगा सकते ओके तो आपको कोई बीच में पेज बनाना पड़ता है ठीक है और अगर कोई बंदा ले रहा है यूएस में तो उसका एक्सपीरियंस भी एनहेंस होता है राइट आप किसी को कोई ऐड दिखा रहे बाद ऑफर वाला पेज होगा आप उस पे लेके आएंगे उसको ऑफर वाले पेज पे तो जैसे आप ऐसे भी ऑफर चलाते हो जो लेट जनरेशन वाले या सीधा बाइंग वाले कराते नहीं नहीं हम ये भी करते हैं हम इंश्योरेंस के लिए चलाते हैं ओके यस यूएस में एक दो कंपनीज हैं उनके इंश्योरेंस के लिए हम uh, सीपीएल चलाते हैं तो भाई आप इतने पैसे बनाते हो तो इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या करते हो कहाँ करते हो इन्वेस्टमेंट uh, एज तो अभी मतलब कर ही रहा हूँ uh, अभी मैंने एक अपना हाउस बनाया है गुड़गांव में 2.8 पॉइंट का पूरा घर मेरा लैंड लेके लैंड लेके एंड पूरा बना के टू okay. पॉइंट का लाइक बताएगा इस स्विगे डिलीवरी बॉय और वहां से टू पॉइंट एट सी आर का घर बहुत बड़ी बात है भाई सलूट है थैंक यू तो अभी बस मेरा घर बन गया ठीक है क्योंकि हर आदमी को या हर बंदे को एक घर की आपने में राएट, 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 राएट। घर में लिफ्ट भी लगवाया है राइट 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 घर में लिफ्ट भी लगवाई है तो बस से फ्लोर घर मैंने घर पे बनवाया है एक पार्किंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्री फ्लोर्स ओके यस मतलब अगर स्टील पार्किंग को ले तो चार फ्लोर हो गया तो हाँ तो लिफ्ट की जरूरत है ओके यस yes. घर के अलावा घर के अलावा भी मैंने एक लिया है अपनी ओडी गाड़ी ली है कितने की थी ये गाड़ी फोर्टी फोर थ्री हाँ चालीस पचास लाख के आसपास हाँ पचास लाख की है पर मेरे को थोड़ा मतलब कोई मेरा नोन में था जो कंपनी में था तो उसने मतलब अच्छा खासा मेरे को दिलवा दिया था कम करवा दिया था सात लाख कम हो गया था मेरा

उससे अच्छा मैं एफिलेट में ही अपना दिमाग लगा लूँगा वही यार 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 तो हाँ कोई मैनेजर होता है तो मैनेजर को ही सब कुछ दे रखा है वही करता है योगेश भाई जैसे मेरे को एक चीज बताइए अभी एड्स में आपके पैसे खर्च होते हैं उसके अलावा है एक्सपेंसेस क्या है आपके यार एड्स के अलावा हमारे जो इम्प्लॉयज हैं तो इम्प्लॉय की सैलरीज हैं सैलरीज है। राइट, राइट, राइट तो बस वही वहीसपेंसिज हैं और हमने ऑफिस ले रखा है ऑफिस का रेंट है कितना जाता होगा ऑफिस का रेंट एट्टी के है ओके अस्सी हजार का रेंट है और इलेवन आपके हाँ, तो आठ साढ़े आठ लाख तक मतलब मेरे को पूरा नहीं पता आठ साढ़े आठ लाख तक इनकी uh, हम इनको प्रोवाइड कर देते हैं सैलरीज है इनकी ओके okay. बढ़िया भाई थैंक यू सो मच बहुत मजा आया uh, योगेश भाई आपके साथ बात कर गया आई होप कि ऑडियंस को भी एनर्जी मिला होगा आज के पॉडकास्ट से और बहुत दिनों के बाद भाई इतना इंस्पायरिंग पॉडकास्ट कुछ आया और आपकी जर्नी तो बहुत ही अलग है बहुत ही डिफरेंट है आपने बहुत हासिल किया है भाई और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि भाई चालीस पचास साल का जॉब छोड़ के रिस्क लेना फिर कुछ नया ट्राई करना उसमें फेल होना फिर कुछ नया करना एंड फिर यहाँ तक आना भाई थैंक यू तो कैसा लग रहा है सतीश के वीडियो चैनल पे आके <laughs> मेरे को मैं तो आपका बहुत मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम मिला ना मतलब मेरा मुंह ऐसे खुला हुआ था मैंने कहा राइट मैं ये मत सोचना कि आप बैठी हैं तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हो ऊपर थोड़ा चार पांच तरीके और करो भाई इसको हम पहले चला देंगे नहीं आ, मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम मिला था ना एक तो देखो मतलब जो बंदा जितना ऊपर जाता है ना वो उतना हंगल होता जाता है राइट अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे आप मेरे को बता रहे थे कि ये पर आप में मैंने वो चीज़ देखी है मैंने आप में वो चीज़ देखी है और मैं खुद सोचता था मैंने कहा भाई इतना बड़ा बंदा है और याद है एक बार मैं मेरे को आपका ना नंबर चाहिए था पर मैं घबरा रहा था, था आपका नंबर मांगते हुए बिकॉज मेरे को तो यार मना ना कर दे भाई साहब हमारे घर में लिफ्ट नहीं लगा है गाइस <laughs> <laughs> तो मेरे को ये याद मना ना कर दे पर यही सब है आपका चैनल तो मतलब कितने बंदे देखते हैं नहीं तो प्यार है लोगों का और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करें थोड़ा प्लीज कर दो सब्सक्राइब कर दो प्लीज सर को थैंक यू भाई <laughs> तो गाइस अभी वन पॉइंट कितने सेवन मिलियन का परिवार आ चुका है दो मिलियन जल्दी से करवाओ गाइस इसी साल ताकि बढ़िया धूमधाम से पार्टी करें प्लीज कर दो प्लीज सब्सक्राइब कर दो सर को <laughs> तो थैंक यू योगेश भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा तो गाइस लाइक करना मत भूलना प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते यार बिल्कुल फ्री है और भाई ने बोला सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब कर दो ये भी फ्री है और फ्री में आपको ऐसे खतरनाक वाले वैल्यू वाले पॉडकास्ट आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ मनी मेकिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आता रहता हूँ तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मत रहो